पाकिस्तान ने रविवार को नया इतिहास रचा। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने भारत को T20 विश्व कप 2021 के महामुकाबले में भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। ये इतिहास में पहला मौका है जब पाकिस्तान किसी भी ICC विश्व कप में भारत को हराया। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई के मैदान पर 152 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान के ओपनर्स ने 18वें ओवर में ही बिना कोई विकेट गवाए जीत दर्ज कर ली। इतनी बड़ी हार के बाद विराट कोहली का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। हार के बाद विराट कोहली ने जो अपनी टीम के खिलाड़ियों को लेकर बात कही वो वाकई में हर किसी को हैरान कर देने वाली है। विराट ने हार का ठीकरा किन खिलाड़ियों के ऊपर फोड़ा, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। ये जानने से पहले कि आखिर किन खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा विराट कोहली ने फोड़ा है, उससे पहले आइए जानते हैं इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्या कहा। भारतीय टीम की इस हार के साथ अब विराट कोहली 29 सालों में पहले ऐसे भारतीय कप्तान बन गए हैं जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ICC विश्व कप में मैच गंवाया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियों ने इस जीत का इंतजार किया था, उनका अब ये सपना पूरा हो गया है। मैच के बाद बाबर आजम ने कहा, हमने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। भारत के शुरुआती विकेट बहुत मददगार थे। साइन के विकेटों ने हमें काफी आत्मविश्वास दिया और स्पिनरों का भी दबदबा था। रिजवान के साथ योजना हमेशा इसे सरल रखने की थी। हमने क्रीज में गहराई तक जाने की कोशिश की। लगभग 8वें ओवर में ओस आ गई थी, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आने लगी थी। बाबर आजम ने आगे कहा, ये तो बस शुरुआत है, हमें अभी और आगे बढ़ने का भरोसा है। ये हमारे लिए मैच दर मैच रहेगा, हम पर इतना दबाव नहीं था। हम भारत के खिलाफ रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मैं अपने उन सभी खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहता हूं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जब आप बड़े विश्व कप से पहले टूर्नामेंट खेलते हैं तो इससे मदद मिलती है। हमारे खिलाड़ी इससे काफी आत्मविश्वास के साथ उतरे। टीम इंडिया इस मैच में सच में कहीं नजर ही नहीं आई और पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों में बाजी मारती हुई नजर आई। इस मैच में भारतीय टीम की हार की नींव तो तभी रख दी गई जब हिटमैन रोहित शर्मा पहली पारी में पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गई। इसके तुरंत बाद केएल राहुल ने महज 3 विकेट पर अपना विकेट गंवा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा और केएल राहुल शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी किस काम की जो इतने अहम मौके पर ही काम न आए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला एक मैच से काफी आगे होता है और उसकी अहमियत शायद सभी को समझना जरूरी है। रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है और वो शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचों में उनका रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, जो इस मैच के बाद भी जारी रहा। उनके पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने 0 पर आउट होकर भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा, बिल्कुल ऐसी शुरुआत हम नहीं चाहते थे, सारा श्रेय पाकिस्तान को जाता है। वापसी करना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से ओस गिरनी शुरू हो जाती है। पिच ठीक थी, पहले हाफ में लाइन में शॉट्स खेलना आसान नहीं था। जब आपको पता होता है कि दूसरे हाफ में बल्लेबाजों को फायदा होता है तो कुछ अतिरिक्त रन बनाने होंगे, लेकिन पाक गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमको संभलने ही नहीं दिया। विराट कोहली ने कहा, हम ऐसी टीम नहीं है जो जल्दी घबरा जाते हैं। अभी टूर्नामेंट बस शुरू हुआ है, यह अंत नहीं है। गौरतलब है कि भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती इस ग्रुप में न्यूजीलैंड से है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे टीम इंडिया कैसे वापसी करती है।